तो मैं जो विश्लेषण आज लेकर आया हूँ औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जिसको मिनी चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा सीट का इतिहास रहा है 1952 से आज तक। वहाँ राजपूत समुदाय के अलावा भले पार्टी का दल बदल हुआ है, लेकिन जाति का दल बदल नहीं हुआ। 1952 से लेकर 3 जून 2024 तक उसका गढ़ था, और फाइनली जैसे 4 जून चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा सीट पे इतिहास रच जाए। मैं रोशन और आप देख रहे रोनी टाइम्स। मैं अभी बात करने वाला हूँ चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ बोले तो बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जो इस बार RJD ने टिकट दिया था अभय कुशवाहा को, जो चुनाव के समय ही अभय कुशवाहा JDU से RJD में शामिल हुए थे और उनको टिकट दिया गया। तब तक किसी को भी नहीं पता था कि भैया, और BJP ने फिर से रिपीट किया पांचवीं बार के लिए BJP ने फिर से रिपीट किया सुशील कुमार सिंह को, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, उनको BJP ने रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद ये रहा कि कंटिन्यू वो 4 जीते। एक तो 4 का इंटर इनकम्बेंसी, प्लस क्षेत्र में ऐसा कोई काम जो 4 सांसद जीत चुका है, मतलब समझ रहे ना, 20 वर्ष, जी हाँ 20 साल, इससे पहले उनके पिताजी जीतते थे। और अपने क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं सुशील कुमार सिंह ने किया है जो गिनाने पे, मतलब गिनने के लायक हो कि गिना के मैं आपको बता सकूँ हाँ ये काम उसने किया है। जी हाँ, बस एक जाति के नाम पे, एक पार्टी के नाम पे वो जीत जाते थे भाई साहब, यहाँ तक वो फील्ड में घूम के भी नहीं जाते थे। पिछले कई वर्षों से सुशील कुमार सिंह को हराने का प्रयास हो रहा था, जैसे 19 में भी, समझ रहे हैं ना, लेकिन नहीं चला, फिर वहीं जीता, 14 में भी वहीं जीता, 9 में भी वहीं जीता, तो कंटिन्यू वो जीतते आ रहा है इसके लिए। लेकिन इस बार JDU में रहे अभय कुशवाहा ने हवा का रूख भांप लिया था, और समय रहते उन्होंने RJD ज्वाइन किया, और फिर उसके जो नब्ज था, जो उनका कमजोरी था सुशील कुमार सिंह का, बस उस पर उन्होंने प्रहार किया, उन लोगों को अपने साथ लाया। और एक और इतिहास रहा 2020 के विधानसभा चुनाव में, इतना मतलब सुशील कुमार सिंह का इतना अहम था कि भाई साहब कंटिन्यू खुद सांसद जीतते आ रहे हैं, लेकिन एक विधायक तक अपने क्षेत्र में नहीं जीता पाए। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 आती है, लेकिन 6 में से 1 भी BJP के सांसद सुशील कुमार सिंह नहीं जीता पाए अपने विधायक को, तो वो नाराजगी थी। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं लोग 4 से मन में दबा रखा था, जो विधायक प्रतिनिधि थे BJP के वो, और उसका फाइनली जवाब 2024 में मिल गया उसको। और मेन जो आप लोग जानना चाहते कि हारने की वजह क्या था, तो हारने की वजह उनका अहम घमंड, सुशील कुमार सिंह का अहम और घमंड, हारने की मेन वही वजह था। जो भाई जो कंटिन्यू रहेंगे सांसद और एक विधायक नहीं जीता पाएंगे, बस समय पे वार किया अभय कुशवाहा ने, चीजों को समझा। RJD के कैंडिडेट थे अभय कुशवाहा, तो ऑलरेडी उनके पास माई समीकरण और प्लस उनके साथ कुशवाहा मिल गया। और फाइनली जो सुशील कुमार सिंह लोगों को हराते थे, उससे ज्यादा वोटों से इस बार वो हारे, 79,111, और उनका किला ध्वस्त किया है कुशवाहा ने। जी हाँ, जो बहुत घमंड था। आप सोच सकते हो, एक लोकसभा सीट पे 1952 से एक जाति का दबदबा, आप समझ सकते हो। और जो बंदा अपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, यार पब्लिक कब तक देखेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी। फाइनली इस बार पब्लिक ने जागा, आंखें खोला, और उनके जो कुछ समर्थक लोग थे उन्होंने भी आंखें खोला, तभी तो भाई साहब 3 पे नोटा है भाई साहब। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर 3 पे कौन है, कोई प्रत्याशी नहीं है, नोटा है, 22,000 वोट लगभग। औरंगाबाद लोकसभा सीट यानी मिनी चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले बिहार के, फाइनली सुशील कुमार सिंह का पराजय हुआ, और वहाँ पे एक खिलता उभरता अभय कुशवाहा निकला RJD से। अब देखिए इस 5 में अभय कुशवाहा जी उस क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।